राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। आज संडे है, छुट्टी है, मेरी आवाज से आपको पता चल रहा होगा मेरा मूड कैसा है आज। ठीक है, सो आई एम फीलिंग गुड। और फिलहाल हमारी मम्मी जी यहाँ पे कुछ तैयारी कर रहे हैं। हाँ। उनको हमसे बात करने की भी मतलब टाइम नहीं है उनके पास, क्योंकि वो बना रही है चूल्हे पे चिकन। ये देखो यहाँ पे चूल्हा लगा दिया है हमारे पेड़ों के जस्ट बगल में। दादाजी चूल्हे में डालने के लिए लकड़ी लेके आ रहे हैं। ढांटन सचिन भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि सचिन भाई ने आज चिकन का प्रोग्राम बनाया है सब घर वालों के लिए। आज आपने चिकन का प्रोग्राम क्यों रखा है, ज़रा बताएंगे इसके बारे में? ऐसे ही मूड हुआ। और कोई स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं चिकन खाने? हमारे जीजा जी हमारे। अच्छा, तो इसके वजह से सचिन भाई ने सोचा कि चलो जीजा जी को आज चिकन खिलाते हैं। बड़े दिनों बाद चूल्हे पे चिकन का प्रोग्राम हो रहा है। बाबा सुली वरले चिकन खा लेगा तुम्हें कभी? बस खाओ खाओ, दांत दादाजी बोल रहे खा के दांत गिर गए मेरे, इतना खाया है। लुक एट आवर कच्चा आम, कितने बड़े हो चुके हैं ये, और बहुत ही खट्टे, इसलिए कोई खा नहीं रहा इनको। तो चिकन बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। मम्मी जी ज़रा बताएंगे चिकन बनाना आपने कहाँ से सीखा? आप तो चिकन खाते नहीं हो, फिर भी आप कैसे बना लेते हो? और ये देखो भाई, स्पेशल काली थैली में ब्रांड वैल्यू है भाई, ब्रांड है। अगर आपको काली थैली कोई हाथ में लेके जाके दिखे तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज इट। आपको आपको पूछने की जरूरत नहीं, व्हाट इज इट। ये देखो भाभी ये काड़ू का है। वाह, बड़ा सहयोग से काम करते हैं चिकन खाने वाले लोग, इनमें कभी मन मुटाव नहीं होता है, एक दूसरे को प्यार से ही सब काम होते हैं। हमने ऐसा कब बनाया था भाई इन लोगों में क्या? हम जब लास्ट ईयर में थे ना, तब हम इंजीनियरिंग में थे तब, तो लास्ट दिन बनाया था, वो भी जंगल में। और एक गावरान चिकन को धोया जा रहा है नल के नीचे। आई एम नॉट एडवोकेट फॉर नॉन वेजिटेरियंस, बट वेजिटेरियन ही पसंद है खाना। मम्मी बोल रहे फिर इधर क्यों आ रहा है, उधर ही मरना जाके। नॉन वेजिटेरियन लोग आज का ब्लॉग देख के खुश हो जाएंगे। ये गया चिकन पतीले में। कुकर में बनाते हैं क्या मम्मी? कुकर में जल्दी होता है, कुकर में जल्दी होता है, बहुत ज्यादा पक जाता है, टेस्टी लगता है। फिर जो भी लोग वेजिटेरियन है कमेंट में लिख दो वी आर वेजिटेरियंस, ठीक है। जो नॉन वेजिटेरियन है वो लिख दो कमेंट में नॉन वेजिटेरियंस, ठीक है, तो मुझे पता चल जाएगा हमारी मेजॉरिटी ऑडियंस कौन सी है फिर। ठीक है भाई, हमारी ज़्यादा ही रहेंगे। हाँ हमारी ज़्यादा रहेंगे। क्या नॉन वेज वाले ज़्यादा रहेंगे? देखते फिर इस कमेंट में, इस कमेंट सेक्शन में पता चल जाएगा हमें। हमारे घर में देखना कितने सब वेजिटेरियन, फिर आप कितने? हाँ यार मेजॉरिटी बढ़ रही है धीरे धीरे, लोग है ना, कलयुग का असर है भाई, सब कलयुग का असर है। समझ बोल बुरा लगेगा, बुरा लगेगा, बुरा लगेगा, वो अलग बात है, अलग बात है, अपन फिर वो नॉन वेज नहीं छोड़ेंगे। हाँ बुरा लग सकता है, पर नॉन वेज नहीं छोड़ते। वो नरक में जाके जलते हुए उबलते हुए तेल में पकना पसंद करेंगे, पर नॉन वेज खाना नहीं छोड़ेंगे। और आज के चिकन के प्रोग्राम में पायल शामिल है या नहीं है? नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं खाना है? इसलिए गर्मी ज़्यादा है, इसलिए पायल बोल रहे हैं गर्मी बहुत ज़्यादा है, और गर्मी में और चिकन खाऊंगी तो बॉडी की डाइजेस्टिव सिस्टम उसकी ख़राब हो जाएगी, और इसलिए नहीं खा रहे आज के दिन। हाँ पायल बोल रहे रिकवरी हो गई अभी, तो इसलिए हो। ये देखो वादा है। अगली बार पक्का, अगली बार, अगली बार खा लेना, अगली बार हम एक दो मेंबर और बढ़ जाएंगे, सुनील की वाइफ भी आ जाएगी ना तब। हाँ। मम्मी जरा ये चिकन की रेसिपी बताएंगे आप। चिकन कांदा शिजायचा, गरम पाणी टाकलं शिजाय,
शिजायला टाकून दिलं. आता ते शिजलं का तिकडं मसाला केला तर मसाल्यामध्ये मिरे, आलं, लसूण, लवंग, दालचिनी ये परतून घेतलं. मॉन्टी भाई की एंट्री हो चुकी है, तुम दोनों के साथ इधर कुछ अंतर्वस्त्र दिख रहे हैं, तो मुझे तो कैमरा एंगल चेंज करना पड़ेगा. कुकुडुकू, मम्मी कैसा लग रहा है तुम्हें चिकन इतने दिनों बाद चूल्हे पे बना रही हो तुम? तुमने खाती ना मॉन्टी, तुम खाते हो चिकन? हाँ, पायल तुम मिस कर रहे हो क्या चिकन खाना? नहीं, इच्छा हो रही तो है? नहीं, इच्छा होती तो मैं किसी की नहीं सुनती, इसके बाप से नहीं डरती, मैं खा ही लेती. मॉन्टी तुम्हें क्या लगता है, व्हाट इज द बेस्ट डाइट, वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन? वेजिटेरियन. वाह भाई, ले भाई, एक तो बंदा इधर ही बढ़ गया हमारा. नॉन वेजिटेरियन बंद कर दिया भाई. सुन, कॉलेज में कितने दिन हुआ है तेरे को? 6 महीने. छः महीने अभी प्रोसेस में होगी गर्लफ्रेंड. ओ, नॉन वेजिटेरियन होगी ना? ना, पहले सचिन भी वेजिटेरियन था. फिर प्रोसेस में हो गया. ये फंस गया, ये फंस गया भाई. मैं कब से खा रहा हूँ? 8वीं कक्षा में था, मतलब तब से ये फंस गया. देखो भाई, गर्लफ्रेंड क्या होना, सख्त लड़का बनने का. कोई गर्लफ्रेंड आए जाए, वो चाहे मगरमच्छ खा ले, पर तू नहीं बदलने का, ठीक है? अपने वसूले पे टिके रहने का, किसी से नहीं डरने का. सॉरी पाई. सचिन भाई, आप बताएं, आप क्यों खाते हैं चिकन, मतलब क्या अच्छा लगता है आपको उसमें, जरा बताएंगे आप? भाई, मेरे को ना सिर्फ अच्छा लगता है, इसलिए मैं 2 और 3 महीने से एक बार खाता हूँ, ज्यादा. मतलब क्या अच्छा लगता है, what's the... उसकी टेस्ट बहुत अच्छी रहती है, मतलब टेस्ट के लिए. टेस्ट के लिए मैं ये करता हूँ, मतलब उससे प्रोटीन मिलता है वो. इससे कुछ लेना देना नहीं मेरे को, वो नहीं लेना देना. जू लेके मेरे प्रोटीन बढ़ जाए, पर टेस्ट के लिए. टेस्ट के लिए जान ले सकते हैं. नहीं, प्रोटीन के लिए नहीं ले सकता, पर टेस्ट के लिए ले सकता है. मोना, तू क्यों नहीं खाता है नॉन वेजिटेरियन फूड? किसी का प्राण हमें लेना अच्छा नहीं. ये ना रिकॉर्ड हो जाएगा. हाँ, फिर जब तू खाएगा ना. हाँ, चलेगा. तब तेरा मैं खाऊंगा ही नहीं. ठीक है, देखते हैं, ये ब्लॉग रहेगा. हमें किसी का जीवन लेने का अधिकार नहीं. वाह भाई वाह, इसके ऊपर ताले हो जाए. अगर हम किसी को जीवन दान नहीं दे सकते, तो हमें किसी का जीवन लेने का भी. मेरे को ये बोल, तू वो वेजिटेरियन भाजी वाला खाता है? हाँ, वो भी एक जीव है भाई. नहीं, पर हमारे लिए नहीं, वो हमारे वरदान है, वो भी जीव है. और एक बात बता सचिन, जो पेड़ पौधे होते हैं उनको सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होता है, इसकी वजह से उनको पेन फील नहीं होता है. होता है भाई, तेरे को क्या पता कि तुझे मिस कॉल किया था उन्होंने. सब्जी ने उन्होंने तेरे को कॉल किया था? उनका जीवन ही इसलिए है ना भाई. हाँ, बॉयलर का जीवन ही इसलिए बोल रहे सचिन. चलो, हम कमेंट्स में लिख दो भाई कि वेजिटेरियन खाना चाहिए या नॉन वेजिटेरियन खाना, आर्गुमेंट्स दो आप लोगों के, ठीक है? हमें भी पता चले कुछ नई बात. एक्सपर्ट को बुलाया गया इधर, चिकन पका हुआ या नहीं ये देखने के लिए. हाँ, रह गए सचिन. पायल को खाना नहीं है, पर फिर भी देखो, एक्साइटमेंट देखो उसकी. अब तो रोटी अभी यहीं पे बनने लगी भाई, चूल्हे पे रोटी, चूल्हे पे चिकन. ये देखो भाई, चिकन बन के रेडी है दोस्तों. लो, टेस्ट कर लो कैसा दिख रहा है. टेस्ट तो देखने से पता चलेगा तुम लोगों को. नाना, कैसा लग रहा है आपको उप सरपंच बन के? नहीं, आता हे जाणार आहे. मी डिलीट नाही करत, वो काय जे घेतलं ते घेतलं डायरेक्ट. कसं वाटतं तुम्हाला उपसरपंच होऊन? अति आनंद. काय विकास काम कुठपर्यंत आली गावातली? जलसंधारणाचं काम चालू. हा, टेस्टिंग के लिए जा रहा है अभी, देखते हैं क्या टेस्ट आता है.
कडा तर घे ना गारो डायरेक्ट पळी नाही घेणे तो पळी आया असे करन टक हात मार फुरका ना ले भरे होईल क्लासिक नीट बेटा काय करते काय पाहिल तुम्ही टेस्ट करने हमारे पापा बोलते हैं भाई सुबह जल्दी उठा करो और दोपहर को देखो कैसे सो रहे गौर 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 सचिन भाई हाउ इज द टेस्ट चिंकू पिंकू तो भाई आज है ना सुनील कहाँ गया था पता है इधर देखो इसका मुंह देखो टीका लगवाया है ना तो ये गया था मेरे ससुराल मेरे मामा जी के घर इसके भी मामा जी के घर हमारी जो दादी जी उन्होंने इसको इसकी शादी होने वाली इसलिए कितने पैसे दिए भाई हाँ तो हमारी दादी जी की एक पॉलिसी है जिस भी पोते की शादी होगी उसको 5,000 रुपये गिफ्ट में मिलते हैं जैसे मुझे मिले थे पायल को मिले थे ठीक है सुनील को भी मिल गए तो सब खर्च खर्च हो के इतने बच्चे आज वाओ हर हर मेहमान के घर जाके आना चाहिए हर मेहमान के घर जाना चाहिए और ये क्या लाया भाई पायल के कपड़े है क्या आ गए क्या दाजी और हमारे दोनों जीजा जी आ गए घर पे तो उनके लिए मस्त शरबत बन रहा है यहाँ पे ये देखो बाहर दिख रहा है आपको ठीक है पायल शरबत नहीं पीने वाले क्या क्या पिलाने वाले फिर इन दोनों को कुछ तो लाया और सुनील ने हमारे लिए पेड़े भी लाए यहाँ से हम कॉर्नेडो खाएंगे कौन खाएंगे हमें भी दिए थे हमने तो कोई कहीं जिक्र भी नहीं किया पर दादी जी के लिए कुछ करना पड़ेगा जब बुढ़ी हो जाएंगी जब दादी बुढ़ी हो जाएगी तब उसके लिए कुछ करेंगे ठीक है चलो अभी क्रिकेट खेलने के लिए जाना है हमें 4:15 बज गए चलो भाई सबके लिए कौन लेके जाते देखते हो लेते या नहीं हमसे उनको तो शरबत पीना था दादी शरबत का प्लान कैंसिल है क्या दो चोर यहाँ पे खा रहे फिर शरबत बनाने को बोला पायल को पायल बोली कौन लेके आओ दादा बाबल देने दादाजी ने अभी अभी चाय पिए थोड़ी देर बाद खाएंगे तब तक ठंडे होंगे मेन रीजन व्हाई सुनील वेंट टू माय मामाज हाउस इज बिकॉज चीकूज ओ मम्मी को अपने बेड की चिंता थी इतने सारे चीकूज कहाँ से लाए बताएंगे पायल हमें मेरे मामा के यहाँ से तेरे मामा के यहाँ से नहीं तेरे मौसी के बेटे के घर से नहीं मौसी के बेटे के घर से मम्मी ने लाए और बाद में मैंने कॉल किया तो मामा के घर से लाने पड़े ओह माय गॉड चलो भाई प्लेयर नंबर 1 प्लेयर नंबर 2 प्लेयर नंबर 3 घर में रेडी हो रहा है प्लेयर नंबर 4 हमारे जीजा जी तो यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है उनका चलो भाई पहला ओवर है हमारा अभी देखते हैं इस बॉल को क्या होगा आउट छोड़े भाई एक बॉल 4 रन चाहिए हमें अरे हट यार हार गए हम 3-4 रन से हार गए चलो अभी फील्डिंग के लिए जाना पड़ेगा मन से आज रेवा के फादर आए थे रेवा को मिलने के लिए तो चलो दोस्तों कुछ इस प्रकार रहा आज का हमारा दिन और आपने देखा ही होगा क्या क्या हुआ आज के दिन में तो मिलते हैं आपको अगली ब्लॉग में लाइक शेयर सब्सक्राइब करें